हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिएगा, फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात कर लूँगा आपके फिजिक्स के दूसरा चैप्टर, मतलब दोस्तों आपका जो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था विद्युत आवेश क्षेत्र, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बता दिए हैं। यदि दोस्तों आपने वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आपके फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। तो आप वहाँ जाकर आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो देखिए, आपके फिजिक्स के दूसरा चैप्टर दोस्तों इस चैप्टर में आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा, जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस को आप एक नोट बना लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कर याद करते चलिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन खासतौर पर आपके एग्जाम के लिए ही तैयार किया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने अस्मित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। चलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, चालक पदार्थ से बने अस्मित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो दोस्तों, उसका जो मान होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, वह होगा दोस्तों सिग्मा बटे टू एप्साइलन नॉट होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि यदि गोली पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इस पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इस पर विद्युतीय फ्लक्स जो होगा दोस्तों, वह होगा 36π × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। 36π × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। यदि किसी गोली का आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उस पर लगने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा, तो दोस्तों वह होगा 36π × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता होगी। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन लगातार पूछा गया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में और 2016 के बोर्ड एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 64 समरूप बूंदें जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बूंद की धारिता होगी। तो दोस्तों, उसकी जो धारिता होगी वह होगी 20 माइक्रोफैड होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, या विद्युत क्षेत्र ई कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता को या विद्युत क्षेत्र को। तो देखिए, ई बराबर 0 बाले क्षेत्र में विद्युत विभव भी की दूरी के साथ विवरण होगा। ई बराबर 0 वाली क्षेत्र में विभव भी के बीच की दूरी का विवरण होगा। तो दोस्तों, उसका जो विवरण होगा वह होगा भी के मान आर पर नहीं निर्भर करेगा। भी का जो मान होगा वह आर मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर या उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में हम चालक को रखते हैं तो उसका जो विद्युत मान होता है, या मतलब विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, वह 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गॉस का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, गॉस का जो नियम होता है वह होता है फा ई इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम क्या होता है दोस्तों? फा ई इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आवेशित खोखले गोले के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि 0 होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वह 0 होता है। तो इसका होता है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी चालक की विद्युत धारिता एवं व्यंजक होता है। मतलब दोस्तों, किसी चालक की विद्युत धारिता और व्यंजक में जो संबंध होता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, उसका जो व्यंजक होगा दोस्तों, उसका होगा सी इज़ इक्वल टू क्यू बाय भी होगा। मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता एवं उसके व्यंजक में जो संबंध होता है वह होता है सी इज़ इक्वल टू क्यू बाय भी। मतलब धारिता इज़ इक्वल टू आवेश बटे विभवांतर या विभव।
तो इसका होता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है या मात्रक होता है, तो दोस्तों उसका जो होता है फैराडे या फैराड, फैराडे या फैराड मतलब एफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत धारिता की बीमा होती है, मतलब विद्युत धारिता का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। विद्युत धारिता का आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है, मतलब सी का आपका सी से आप मतलब दोस्तों आपका सी का जो होता है डायमेंशनल फार्मूला उसको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों विद्युत धारिता का जो बीमा सूत्र होती है या बीमा होती है या डायमेंशनल फार्मूला होता है, तीनों एक ही होता है, जो उसका होता है एम पर पावर माइनस वन, एल पावर माइनस टू और टी पावर फोर और आई पावर माइनस टू। एम पावर माइनस वन, एल पावर माइनस टू और टी पावर फोर और आई पावर माइनस टू, ये होता है विद्युत धारिता का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए दोस्तों इस मतलब चैप्टर में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन 11 हो गया है कि किसी खोखले, तो देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किसी खोखले गोले चालक को धन अभिसरित किया जाता है तो उसके भीतर विभव होगा। किसी खोखले गोले के चालक को धन अभिसरित मतलब पॉजिटिव चार्ज किया जाता है तो उसके भीतर जो विभव होगा वह क्या होगा, तो दोस्तों उसके जो भीतर विभव होगा वह होगा धनात्मक एवं समरूप, धनात्मक एवं समरूप होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 12 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच अभ्रक, अभ्रक के एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच अभ्रक की एक, अभ्रक की एक पतली पतली प्लेट को रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी, तो दोस्तों उसकी जो धारिता होगी वह बढ़ जाएगी मतलब इंक्रीज करेगी। एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हम किसी अभ्रक को रखते हैं तो उसकी जो धारिता होती है वह बढ़ती है दोस्तों, बहुत ही बढ़ती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 2010 के बोर्ड यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। तो देखते हैं क्वेश्चन 13 को। देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, और देखिए यह क्वेश्चन 2012 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम का बराबर होता है, तो दोस्तों एक स्टेट कूलम जो होता है वह 1/3 × 10^9 कूलम के बराबर होता है, 1/3 × 10^9 कूलम के बराबर होता है एक स्टेट कूलम। तो इसका होता है क्वेश्चन 13। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 को। देखिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेशित किया जाता है, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो दोस्तों उसकी जो त्रिज्या होगी वह बढ़ेगी, उसकी जो त्रिज्या होगी वह बढ़ेगी। मतलब किसी साबुन के एक बुलबुले को मतलब एक बुलबुले को हम निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है मतलब उसकी जो आर होती है वह घटती है, मतलब सॉरी उसकी जो त्रिज्या होती है वह दोस्तों वह बढ़ती है, मतलब आर जो होती है वह इंक्रीज करती है, आर इंक्रीज करती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस तरह होता है क्वेश्चन 14। अब देखते हैं क्वेश्चन 15 को। देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है मतलब ई जो होती है वह कैसी राशि है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्य बिंदु के बाहर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बाहर आर दूरी पर किसी विद्युत या विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों वो जो समानुपाती होता है 1/r² होते हैं, 1/r² होते हैं, मतलब भी समानुपाती 1/r² आपसे पूछ रहा है कि भी जो होता है किसके समानुपाती होता है, तो दोस्तों 1/r² के समानुपाती होता है। तो इस तरह होता है क्वेश्चन 16। अब देखते हैं क्वेश्चन 17 को। देखिए क्वेश्चन 17 है जो 2017 के बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी है, तीन संधारित्र है जिसकी प्रत्येक की धारिता क्या है सी है, ये जो तीनों है वह श्रेणी क्रम में मतलब जुड़े हुए हैं तो उनकी समतुल धारिता होगी, तो दोस्तों उनकी जो समतुल धारिता होगी वह होगा C/3। देखिए कह रहा है कि तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी जो समतुल धारिता होगी वह क्या होगी, तो दोस्तों उसकी जो समतुल धारिता होगी वह होगी C/3 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन 18 कह रहा है कि संधारित्र के संधारित्र के समांतर संयोजन जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह होता है, तो दोस्तों वह जो होता है वह होता है विभवांतर, मतलब भी एक ऐसी राशि है जो प्रत्येक संधारित्र के लिए समान ही रहती है, तो इसका होता है क्वेश्चन 18। तो देखते हैं क्वेश्चन 19 को। देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, मतलब किसी संधारित्र की जो धारिता हुआ होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती, तो दोस्तों वह प्लेट के आवेश पर, जो प्लेट का जो चार्ज होता है उस पर निर्भर नहीं करता एक संधारित्र की धारिता, तो इसका मतलब दोस्तों सी जो होता है
सी वाक्यों पर निर्भर नहीं करता है। सी जो होता है वाक्यों पर निर्भर नहीं करता है, मतलब किसी संधारित्र की जो धारिता सी होती है वाक्य इस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करती है, मतलब पेट का जो आवेश होता है उस पर निर्भर नहीं करती है। अब देखते हैं इस चैप्टर की अंतिम क्वेश्चन, मतलब जब समय 20 कह रहा है कि वांडी ग्राफ जनित एक युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडी ग्राफ जनित एक युक्ति है जो उत्पन्न करती है, तो दोस्तों जो वांडी ग्राफ जनित होता है वह उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता मतलब हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों यह थे आपके तो दोस्तों यह था आपके फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभवता आधारिता के इंपॉर्टेंट ट्वेंटी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।